हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। स्टूडेंट, आज हम क्लास 3 मैरी गोल्ड से यूनिट 1 गुड मॉर्निंग पोएम का एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट पहले हम कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं, फिर ये रहा वर्ड्स मीनिंग। स्काई, स्काई मीन्स क्या होता है? स्काई मीन्स आकाश। सन मीन्स सूरज। लिटिल विंड मीन्स छोटी हवा। बर्ड्स मीन्स चिड़ियों, चिड़ियों के बारे में बोला है चैप्टर में। और नेक्स्ट है क्रीपिंग ग्रास। क्रीपिंग ग्रास होता है रेंगने वाली घास, जो अभी आपने देखा होगा कभी वो पूरे फैली होती, बिखरी होती है और रेंगने वाली घास होती है। ब्राउनी बीज, भूरे मधुमक्खियाँ। फाइंड आउट, पता लगाना। गॉन अवे, दूर चला गया। गॉन अवे, दूर चला गया। वाइंड अवेक, जागता हुआ। टू मीन्स बहुत। और राइट आउट, सीधा बार। तो अभी ये वर्ड्स मीनिंग कुछ थे वो कंप्लीट हो गए। अभी हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर यूनिट 1, ये है यूनिट 1। डू यू लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग, ये बोल लिखा है, क्या आप सुबह में जगना पसंद करते हैं? सी व्हाट द चाइल्ड इन द पोएम फील्स, तो इसमें ये बच्चा वही फील कर रहा है सुबह जगना, जग कर। तो इसी पे है ये चैप्टर। गुड मॉर्निंग क्लास 3 की जो ये कविता है उसको देखते हैं। ये है गुड मॉर्निंग, ये पोयम है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग से मीनिंग अलग अलग होते हैं। गुड मॉर्निंग का सुप्रभात भी बोल सकते हैं, सुबह का नमस्कार भी बोल सकते हैं, राइट? तो इसमें हम ये जो पोएम है इसके बारे में क्या है कि गुड मॉर्निंग, ये पोएम है क्लास 3 गुड मॉर्निंग, ये कविता का कुछ सारांश है। इसके बारे में हम थोड़ा आपको शॉर्ट में बताएंगे, शॉर्ट आपको एनालिसिस कराते हैं। इसमें बच्चे के मूड और उत्साह की उजागर करता है, ये बच्चों के मूड और उत्साह को उजागर करता है इस पोएम में। और आशावादी विचार व्यक्त करता है, इस चैप्टर को पढ़ने से उसको विचार, आशावादी विचार व्यक्त करता है। हर दिन सुबह व नए दिन की शुरुआत होती है, जब बच्चा दिन का आनंद लेने के लिए एक नई उम्मीद के साथ उठता है और बाहर जाने के खेलने के लिए तैयार होता है। और सुबह का समय जब दिन का सबसे अच्छा समय होता है, जब दिमाग ताज़ा होता है, तभी ये दिमाग ताज़ा होता है। सुबह सुबह उठते हैं तो दिमाग ताज़ा होता है और नए विचारों के प्रति ग्रहणशील होता है। सुबह सुबह उठते हैं तो सुबह, इसमें सुबह का सुप्रभात के ही बारे में सब पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग्स, गुड मॉर्निंग्स का मैंने बताया आपको सुप्रभात होगा। सुप्रभात, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग स्काई, सुप्रभात आकाश। स्काई मीन्स क्या आपको पीछे वर्ड मीनिंग आपको बताई हूँ, नोट कर लीजिएगा आप। जब भी आप बैठिए तो पेन और बुक लेके बैठिए, जो पेंसिल, जिससे कि आप नोट करेंगे तो वो चीज़ आपको माइंड में सेट रहेगी। गुड मॉर्निंग स्काई, सुप्रभात आकाश। गुड मॉर्निंग सन, सुप्रभात सन। गुड मॉर्निंग लिटिल विंड दैट रन, सुप्रभात छोटी हवाएं जो चलती हैं उनको भी गुड मॉर्निंग बोला। एक बच्चा है उसको भी गुड, ये जो ऊपर बच्चा आपको दिखाई थी ना वही। गुड मॉर्निंग बर्ड्स, सुप्रभात चिड़ियों को भी बोलता है। गुड मॉर्निंग ट्री, और ये गुड मॉर्निंग ट्रीज, सुप्रभात पेड़ों को भी बोलता है। एंड क्रीपिंग ग्रास, और रेंगने वाले घास को भी बोलता है। एंड ब्राउनी बी, एंड भूरे मधुमक्खियों को भी बोलता है गुड मॉर्निंग। हाउ डू यू फाइंड आउट इट वॉज डे, पूछता है आपको कैसे पता चला कि यह दिन है।
ये दिन था, ये पूछ रहा है हाउ डू यू फाइंड आउट इट वाज, वाज है ना, वाज डे, तो आपको कैसे पता चला कि यह दिन था, ये लड़का पूछ रहा है लोगों से। जो स्काई, सन, लिटिल विंड, बर्ड्स, ट्री, इन सब से पूछ रहा है हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे, तुमसे कितने कहाँ किसने कहा कि रात बीत चुकी है, ये पूछ रहा है। इसमें बच्चा बोल रहा है कि आपको, आप लोग को किसने बताया कि रात बीत चुकी है। आई एम वाइड अवेक, मैं पूरी तरह जाग रहा हूँ। आई एम अप नाउ टू, अब मैं भी उठ गया हूँ। आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए बाहर आऊँगा। मैं बाहर आने के लिए, ये बोलता है बच्चा कि मैं आप लोग के साथ खेलने के लिए बाहर आऊँगा। तो ये पोएम रहे, एक बार इसको मैं ऐसे ही रीड करते हैं। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड दैट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी ट्री, हाउ डूड यू फाइंड आउट इन वाज डे, हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे, आई एम वाइड अवेक, आई एम अप नाउ टू, आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू। तो कैसा लगा, एक बार मैं आपको और रिवीजन करा देती हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्काई, सुप्रभात आकाश, गुड मॉर्निंग सन, सुप्रभात सूरज, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड दैट रन, सुप्रभात छोटी हवाएं जो चलती हैं, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड सुप्रभात चिड़ियों, गुड मॉर्निंग ट्रीज, सुप्रभात पेड़ों एंड क्रीपिंग ग्रास और रेंगने वाले घास एंड ब्राउनी बी को भी गुड मॉर्निंग, सबको बच्चा गुड मॉर्निंग बोलता है और पूछता है हाउ डू डिड यू फाइंड आउट इट वाज डे, आपको कैसे पता चला कि यह दिन था। हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे, तुमसे किसने कहा कि रात बीत चुकी है। आई एम वाइड अवेक, मैं पूरी तरह जाग रहा हूँ। आई एम अप नाउ टू, अब मैं भी अब उठ गया हूँ। आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए बाहर आऊँगा। आउट टू प्ले, राइट आउट टू प्ले, मैं आपके साथ बाहर खेलने के लिए आऊँगा। आई होप कि आप लोग को ये पोएम को अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं समझ आएगा तो आप बैक करके आप देख सकते हैं। और ये रहें फैनी आर बुकानन, ये हैं पोएट जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है और माइंड में हमेशा सेट रखना है, कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको पूछ सकते हैं। तो जे जो ये फेमिनिन आर बुकानन पोएट हैं इस पोएम के, इनका यह एक अमेरिकी संगीतकार और लेखक थे। ये क्या थे, ये जो है अमेरिकी के संगीतकार और लेखक थे। उसने ग्रामीण आयोवा यूएस के लोगों के लिए संगीत कार्यक्रम स्थापित किए। इनका जन्म 1875 में, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म, ये जो है इनका जन्म हुआ था 1875 में, इनका बॉर्न हुआ था बॉर्न, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इनका जन्म हुआ था, इनका जो बॉर्न टाइम था बॉर्न 1875 में हुआ था, और ये विक्टर आयोवा यूएस में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, विक्टर आयोवा यूएस में हुआ था, यूएस में। और फैनिन आर बुकानन 1984 में उनकी मृत्यु के बाद आयोवा महिला हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया था। जो इनका, जब इनका मृत्यु हुआ, 1984 में, मृत्यु कब हुआ था 1984 में,
और इनकी मृत्यु के बाद आयोवा महिला हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया था इनको। तो इनको आपको पता चल गया कि ये आयोवा यूएसए के थे। और बाकी कुछ न्यू वर्ड्स हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्रीपिंग, क्रीपिंग का भी मैंने न्यू वर्ड्स का आपको बता दिया। रेंगने वाली घास, रेंगने वाले जो रेंग रहे होते हैं। अवेक, गान अवे, सबका मैं पिछले सब को वर्ड्स मीनिंग में सब कंप्लीट हो गया है। और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर अभी देखेंगे हम लोग। रीडिंग इज फन। व्हाई इज द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी टू होम टू, ये पूछ रहा है कि बच्चे पोएम में क्यों खुश था, ऐसा है बच्चे पोएम में क्यों खुश था। तो इसके कुछ जो क्वेश्चन है इसके आंसर मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। यहाँ पर इसके आंसर रहे ये देखिए। Why is the child in the poem happy? बच्चा क्यों खुश था पोएम में? The child in the poem is happy because means क्योंकि it is morning now and the night is over. सुबह हो गई थी और रात बीत चुकी थी इसलिए वह बच्चा खुश था। To whom does the child say good morning? आप किसको गुड मॉर्निंग किसको गुड मॉर्निंग बोला बच्चा? द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग टू द स्काई, स्काई को बोला सन, द सन, विंड, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास एंड बीज, मधुमक्खियाँ, इन सभी को बच्चा गुड मॉर्निंग बोला, सुप्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू, इसमें बच्चा क्या चाहता था? द चाइल्ड वांट टू प्ले विथ द बर्ड एंड बी, वह चिड़ियाँ और मधुमक्खियों के साथ खेलना चाहता था बच्चा। ये कंप्लीट हो गए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग इज फन हो गया। नेक्स्ट है टॉक टाइम। इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, सुबह में आप क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। एट नाइट में क्या बोलते हैं? गुड नाइट। सुबह में सुप्रभात, गुड नाइट, रात में गुड नाइट, रात का नमस्कार। ये डॉग से क्या बोलते हैं? बो बो। एक काउ से मू मू। से गुड मॉर्निंग इन योर ओन लैंग्वेज टू, आप अपनी भाषा में अपने फ्रेंड को क्या बोलते हैं? अपने फ्रेंड को क्या बोलते हैं? आई से गुड मॉर्निंग, अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आई से गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, और आपके जो फ्रेंड का नाम है अपने अपने फ्रेंड का नाम यहाँ लिख सकते हैं, राइट। योर फ्रेंड को आप ऐसे लिख सकते हैं। और योर टीचर को कैसे बोलेंगे? आई से गुड मॉर्निंग टीचर्स, आई से गुड मॉर्निंग टीचर का नाम यहाँ पे आपने लिख सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है How would you wish them when you leave school in the evening? जब शाम को छुट्टी होती है तो स्कूल से, तो आप लोगों को क्या बोलते हो जब छुट्टी होती है? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा देखती हूँ टाइप करके, अगर हो जाता है तो आप लिख लीजिए। I when, पहले when लिखेंगे फिर I लीव लीव स्कूल स्कूल आई से
आई से गुड गुड बॉय आई से गुड बॉय फ्रेंड अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं और ये नेक्स्ट है आई से गुड बॉय मैम गुड बॉय जिस आई से गुड बॉय मैम आई से गुड बॉय माय टीचर ऐसे आप बोल सकते हैं लिख सकते हैं आप बोलते होंगे तो व्हेन आई लीव स्कूल आई से गुड बॉय फ्रेंड टू ऑल माय फ्रेंड अगर आपको फ्रेंड को बोलने हो तो फ्रेंड लिखेंगे अगर यहीं पे अगर आपको मैम को बोलने हो तो यहाँ पे आप मैम लगा सकते हैं लिख देंगे तो ये आपको मैम के लिए हो जाएगा ऐसे आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग ये कुछ वर्ड बिल्डिंग है तो बी बी का क्या होता है ट्री ये जो राइमिंग्स वर्ड होते हैं ना फाइंड वर्ड्स इन द पोयम विच राइम विथ ये जो साउंड आती है ना ये सेम आती है इसी को राइम बोलते हैं जैसे हिंदी में जिसे तुकबंदी बोलते हैं ट्री डेज इस पोएम में डेज का राइमिंग्स वर्ड दिया है अवे अवे डे अवे दे भी हो सकता है लेकिन इस पोएम में अवे है तो इसलिए मैंने अवे ही लिखा हूँ एंड टू मीन्स बहुत और यू मीन्स तुम यू बीच का ट्रीज हो जाएगा डेज का वे टू का यू राइट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी अराउंड यू ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट ड्रा इन द टू बॉक्स गिवन ब्लू एंड कलर द पिक्चर इसमें दिया है इसमें डे का कुछ जो पिक्चर जो आपने लिखा है ना कि जो आप देखे वो चारों तरफ दिन में और रात में जो देखें उसके इस दोनों बॉक्स में उस चित्र को फील करना है तो डे में आपने क्या देखा है जैसे सन देखते हैं ना सन तो ये सन का एक पिक्चर यहाँ बनाएंगे आप चाहे बर्ड्स का भी बना सकते हैं ट्री का बनाइए जो और ये ट्री का भी बना सकते हैं जैसे ट्रीज और ये चिड़ियों का भी चित्र बना सकते हैं और नाइट में आपने क्या देखा है जैसे स्टार मून राइट और जो आपने रात में जो देखे वो आप यहाँ चित्र बना सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा राइट टू वर्ड्स ईच फ्रॉम द टू पिक्चर्स यू हैव ड्रॉ इसमें डे के कुछ पिक्चर को ड्रॉ करना है और उनके नाम भी यहाँ पे लिखने हैं तो जैसे डे में आपने जो लिखा है उसका नाम लिख सकते हैं सनलाइट लिख सकते हैं जैसे सनलाइट लिख देंगे यहाँ पे डे में सनलाइट और नेक्स्ट है बर्ड्स देखते हैं बर्ड्स भी लिख सकते हैं और नाइट में क्या देखते हैं मूनलाइट और स्टार राइट
बर्ड स्लीप, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टीम टाइम, ये टीम टाइम है। डिनर, ये लिखा है डिनर। दिस इज मड, मड मीन्स मिट्टी, ये मिट्टी है। अ बिग फैट वार्म लाइक इन द मड, एक ये एक बड़ा कीड़ा है और ये कहाँ रहता है, मिट्टी, मड में रहता है, मिट्टी में रहता है। ए लीफ फॉल्स इन द मड, और ये पत्तियों की तरह दिखता है, ग्रीन कलर का, देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर का है। इट इज द वार्म डिनर, ये इस इन लोगों का, कीड़ों का ये डिनर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्म ग्रुप टेल ईच द अदर एट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव सीन इन द गार्डन वन डे, तो आप पिछले कभी पार्क में गए हो, क्या देखे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखी हूँ, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए ये रहा है, लास्ट संडे आई वॉज प्लेइंग विथ माई ब्रदर इन द गार्डन। लास्ट संडे जब मैं अपने ब्रदर के साथ गया था, तो देयर वेयर ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल काइंड, अलग अलग प्रकार के फूल थे वहाँ पे, कलरफुल बटरफ्लाई थे। वंडरिंग फ्रॉम वन फ्लावर, उसमें एक आश्चर्य वाली फूल थी। माई ब्रदर एंड वॉन्टेड टू टच मी बटरफ्लाई, और मेरा भाई और मैं उस बटरफ्लाई, यानी बटरफ्लाई मीन्स क्या होता है, तितली को हम लोग टच करना चाहते थे। एज वी वेंट नियर द बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई के पास हम लोग गए थे, दे फ्लू अवे, वो दूर उड़ गई थी। वी ट्राई मेनी टाइम बट वी कुड नॉट, ऐसे हमारे पीछे के समय में हमने फील किया है, वो लिखा है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ये आपका, सॉन्ग टाइम। आई लाइक टू सिंग व्हेन द सन इन द शाइनिंग, ट्रा ला ला। आई लाइक टू सिंग व्हेन द सन इन द शाइनिंग, ट्रा ला ला। ये सॉन्ग है, आप लोग इसको सिंग कर सकते हैं, सिंग सॉन्ग टाइम है ये, आप इसको गाना गा सकते हैं, गा के भी पढ़ सकते हैं। राइमिंग से कुछ इसमें वर्ड दिया है, शाइनिंग, बच्चों आप लोग को कैसा लगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। राइट, थैंक यू एवरीवन।